गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उमेश चौधरी, व्याख्याता इंग्लिश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुमर, डिस्ट्रिक्ट अलवर। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ एक कविता को लेकर, जो कि कक्षा 10 की कविता है, माई गुड राइट हैंड। सबसे पहले मैं इस कविता का रेसिटेशन, जिसको अक्सर रिसाइटेशन कहते हैं, जो कि गलत प्रोनंसिएशन है, जैसे लोग क्वारंटाइन कहते हैं, क्वारंटाइन गलत प्रोनंसिएशन है, क्वारंटीन। तो एक बार मैं इसका रेसिटेशन आप लोगों के सामने कर देता हूँ कविता का, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा पोएम के अंदर। और रेसिटेशन करने के बाद मैं इसकी समरी करूँगा 2 मिनट के लिए, वो इंग्लिश में होगी, और उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन हम हिंदी में समझेंगे कि कवि के क्या भाव हैं, क्या विचार यहाँ पे कवि रखना चाहता है। तो जस्ट फॉलो मी एंड गिव मी योर ईयर्स एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड व्हाट इज रिटन ऑन इट। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉर्ट इन वेन। Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on saying, I will trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and cleared me again and again. The friends who had left me came back everyone, and darkest advisers looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand, I thank thee, I trust thee, my good right hand. तो ये यहाँ हमने इस पोएम का रेसिटेशन किया है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द होल समरी ऑफ दिस पोएम इन इंग्लिश। लेटर ऑन आई विल ट्रांसलेट, आई विल एक्सप्लेन द होल पोएम इन हिंदी ऑल्सो, वी विल गो देन लाइन बाई लाइन। सो दिस इज द पोएम ऑफ द पोएट चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके tells us about that situation where a person is surrounded by poverty. When a person is poor, then what happens in his life? When a person comes in problem, when a person faces difficulties, then what happens? His real friends or his relatives or his family members, they desert him. Means to say, poverty is like a curse, and when a person needs someone's help, he finds that no one is ready to help him. So poet has here started the poem with first person pronoun I, yahan pe that is really referred to the poet. When poet is surrounded by poverty and when he tries to come out from this poverty or from this difficult situation, and when he tries to find those people who can help him, he is unable to find out those people. His members, his friends, they all have deserted him. Although his friends, they give advice to him regularly, but they are unable, they do not want to give money to the poet. So now poet, he knows that to trust the other is like building a sand, to trust other is like building a palace on sand. So now he has started to believe in God. He has started to believe in his right hand. He knows that his right hand will help me, and his confidence in God
दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प मी एंड डेफिनेटली आई विल कम आउट फ्रॉम ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स. सो दिस इज द समरी इन इंग्लिश. नाउ वी विल गो थ्रू लाइन टू लाइन एंड वी विल रीड द पोएम. सो लुक एट द पोएम. आई फेल टू ग्रीफ. ग्रीफ यहाँ दुखों से है, समस्याओं से है, कठिनाइयों से मतलब है. कवि कहता है कि मैं दुखों में घिर गया हूँ, परेशानियों ने आकर मुझे घेर लिया है, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ. एंड बिगेन टू कंप्लेन. और जैसे ही मैं दुखों से घिरा हूँ, मैंने शुरू किया है शिकायत करना, मैंने अपनी परेशानियों का रोना शुरू किया है, मैंने लोगों को अपनी मुसीबतों के बारे में बताया है. आई लुक फॉर अ फ्रेंड. और जब मैं ऐसी स्थिति में पहुँच गया हूँ जहाँ मैं गरीब हूँ, जहाँ मैं दुखी हूँ, आई लुक फॉर, मैंने तलाश की. आई सर्च्ड आउट. लुक फॉर मींस आई, मैंने तलाश की अ फ्रेंड, एक दोस्त की. बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन जो मेरा सॉट, मेरा प्रयास था एक सच्चे दोस्त को ढूंढने का, इन वेन, हिम यहाँ दोस्त के लिए आ रहा है कि दोस्त, एक सच्चे दोस्त को ढूंढने का मेरा प्रयास जो मुझे कठिनाइयों से निकाल सके, वो मेरा वेन था, यूजलेस, व्यर्थ था. कहने का मतलब, जैसे ही कभी दुखों से घिरा है, गरीबी में आया है और वो किसी दोस्त को ढूंढ रहा है मदद के लिए, तो कभी का दोस्त को ढूंढना बिल्कुल व्यर्थ साबित हुआ है. कंपेनियंस वर साय. वो कह रहे हैं कि जो मेरे कंपेनियंस थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, दे वर साय, वो पीछे हट गए, वो शर्मा गए. एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड. और जितने भी मेरे परिचित थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार या मेरे जान पहचान वाले, वर कोल्ड, वो भी निरुत्साहित हो गए, वो भी पीछे हट गए, उन्होंने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की. दे गेव मी गुड काउंसिल. कह रहा है कि इन लोगों ने मुझे काउंसिल, अच्छी अच्छी सलाह दी. दे एडवाइज्ड मी. बट ड्रेडेड दिया गोल्ड. लेकिन ड्रेडेड वो डर गए. दिया गोल्ड. उन्होंने मुझे अपना पैसा नहीं दिया, मुझे गरीबी से निकालने के लिए धन नहीं दिया. धन देने में, पैसा देने में वो पीछे हट गए. Dreaded means they felt afraid. वो डर गए, पीछे हट गए. Let them go. जाने दो उनको. I exclaimed. मैंने अपने आप से कहा दुखी होकर के. I have a friend at my side. मेरे पास मेरा एक दोस्त है. To lift me. और ये दोस्त मुझे उठाएगा. And aid me. और यही दोस्त मेरी मदद करेगा. Whatever betide. चाहे कैसी ही मुसीबत आ जाए. Betide means परेशानी. कितने ही दुख आ जाए, कितनी ही परेशानी आ जाए, यही दोस्त मेरी मदद करेगा. और हम देखते हैं कभी का ये कौन सा दोस्त है जिस दोस्त के बारे में कभी कह रहा है कि परेशानियों में भी वो मुझे छोड़कर नहीं जा रहा है. तो ऐसे दोस्त को हम देखते हैं कभी के साथ. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड. कभी कह रहा है कि संसार पर विश्वास करना, संसार मीन्स लोगों पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन सैंड. वो रेत पर घर बनाने जैसा है कि आप संसार के इन लोगों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर आप विश्वास नहीं कर सकते. और यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप रेत में महल बनाते हैं. जैसे रेत पर बनाया हुआ महल कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है, उसी प्रकार संसार के लोग आपका कभी भी विश्वास तोड़ सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन. मैं केवल ट्रस्ट करूँगा, मैं केवल विश्वास करूँगा हेवन, गॉड में, मैं भगवान में विश्वास करूँगा. एंड माई गुड राइट हैंड. और मेरे दाएँ हाथ पर. तो कभी यहाँ पर दो चीज़ों को लेकर कह रहा है कि मैं भगवान में विश्वास रखूँगा. ही मीन्स टू से दैट आई विल हैव माई कंप्लीट डेडिकेशन टूवर्ड्स गॉड. मैं भगवान के प्रति अपना समर्पण रखूँगा. और आई विल बिलीव इन माई राइट हैंड. और मैं अपने दाएँ हाथ पर विश्वास करूँगा. ये दोनों ही चीज़ें मुझे लिफ्ट मी, मुझे उठाएंगी गरीबी से. एड मी, मेरी मदद करेंगी. और वॉट एवर बिटाइड, कैसी भी मुसीबत आ जाए, भगवान और मेरा राइट हैंड, मेरा ये दोनों चीज़ें मेरी मदद करेंगी. माई करेज रिवाइव्ड. जब मुझे मेरा विश्वास मेरे अंदर जागा, मेरे दाएं हाथ पर और भगवान में मेरा आत्मविश्वास जागा, माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था वो रिवाइव्ड, पुनर्जीवित हो गया.
वापस से मेरे अंदर साहस आ गया कि अब मेरे पास कोई है जो मेरी मदद करेगा। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, वो कह रहा है जबकि मेरा भाग्य जो था, फॉर्च्यून डेस्टिनी, कह रहा है मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ था, मेरा भाग्य में दर्द लिखे हुए थे, परेशानियां लिखी हुई थी, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ था, इसके बावजूद भी कभी ये कह रहा है कि मेरा जो करेज है, मेरा जो साहस है, वो पुनर्जीवित हो गया। जैसे ही मेरा विश्वास भगवान में हुआ और मेरे राइट हैंड में हुआ, तो मेरा जो साहस है पुनर्जीवित हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत, उतना ही ताकतवर हो गया जितनी कि मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा लाइट अब प्रसन्न हो गई, हल्की हो गई मेरी आत्मा। अभी तक मेरे मन में और मेरी आत्मा में दर्द था, दुख था कि मैं अकेला हूँ, सभी लोग मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं इस गरीबी में। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे अपने राइट हैंड में विश्वास करना है, मुझे भगवान में विश्वास करना है, तो अब मेरी आत्मा और मेरा मन भी लाइट हो गया, हल्का हो गया, मैं प्रसन्न महसूस करने लगा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इट यहाँ पे कभी का विश्वास कह रहा है कि मेरा विश्वास जो भगवान में था और मेरा विश्वास जो मेरे हाथ में है, इट रेज मी, इन दोनों चीजों ने मुझे उठाया फ्रॉम सोरो, दुखों से, परेशानियों से मुझे निकाल दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इन्हीं दोनों चीजों ने, भगवान में विश्वास और राइट हैंड में विश्वास, इन दोनों ही चीजों ने मुझे मेरे दर्द से बचा लिया। इट फेड मी, और मेरे राइट हैंड ने मुझे खिलाया, मुझे भोजन उपलब्ध करवाया। एंड क्लैड मी, और मुझे कपड़े दिए पहनने को, अगेन एंड अगेन, बार बार से। कभी कहना चाहता है जब मैंने राइट हैंड से कठिन मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे खाने को भोजन मिला, पहनने को कपड़े मिले, और बार बार लगातार मुझे ये मिलता गया। When I started to do hard work from my right hand, then everything was available for me. The friends who had left me, वो दोस्त जो मुझे छोड़कर चले गए थे, came back again, अब वो वापस लौट कर आ गए। जैसे ही दुखों का अंत हुआ, मेरी परेशानियों का समापन हुआ, सभी वो दोस्त जो मुझे छोड़कर चले गए थे वो वापस आ गए। And darkest advisors, और वो सलाहकार जो दुखी हो रहे थे, जो मुझे दिखाने के लिए दुखी हो रहे थे, darkest यहाँ पे दुख से है कि जो दुखी हो रहे थे मुझे दिखाने के लिए कि हम दुखी हैं, तेरे दुख में दुखी हैं, लेकिन हम पैसा नहीं दे सकते, ऐसे दुखी सलाहकार लुक ब्राइट एज द सन, वो अब प्रसन्न दिखने लगे, चमकदार दिखने लगे, एज द सन। यहाँ पे एज द सन का यूज जो किया है, एज ये उपमा अलंकार है, सिमली बोलते हैं, जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है, व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड इन अ सेंटेंस, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। जब दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे तुलना कैसी हो रही है कि जिस तरह से सूर्य चमकीला होता है, उसी तरह से उसके अब सलाहकार भी चमकीले हो गए। चमकीले से मतलब यहाँ प्रसन्न से है। उसके दोस्त और उसके सलाहकार जो दिखने में दुखी लग रहे थे, अब वो भी प्रसन्न हो गए थे। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे इनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वो सभी दोस्त इस बात को जानते हैं। आई थैंक दी, मैंने तुमको धन्यवाद दिया। दी, TXEE, दी का मतलब यू होता है। इन 16th सेंचुरी दिस वर्ड यू वॉज नॉट रिटन इन अ पोएम, इन प्लेस ऑफ यू दिस स्पेलिंग वॉज रिटन बाई द पोइट। ये कविता, ये शब्द लिखा जाता था TXEE, जो कि रिप्रेजेंट करता था यू को, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश में चेंजेस होते गए तो दी की जगह पे यू आ गया मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, लेकिन 16वीं शताब्दी में यू के लिए दी का प्रयोग किया जाता था। तो कभी कह रहा आई थैंक दी, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम में विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे दायां हाथ। तो कभी कहना चाहता है कि मैं मेरे दाएं हाथ के द्वारा की गई कठिन मेहनत पर विश्वास करता हूँ, और मुझे किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि यदि मुझे जीवन में सफल होना है तो
तो ये मेरा राइट हैंड मेरी सहायता करेगा. मीन्स टू से थ्रू दिस पोएम पोएट वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज दैट वी शुड बिलीव ऑन इन अवर राइट हैंड. दिस राइट हैंड विल ऑलवेज हेल्प यू इफ यू आर सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स. If you find yourself in difficulties, in that situation, all the other people can desert you. But your right hand and your confidence towards God, these two things, they will help you, and definitely you will overpower, you will overcome all the difficult situations and you will win. और ये जीत बहुत शानदार जीत होगी. हम सभी को अपने दाएं हाथ में विश्वास करना है और इससे कठिन मेहनत करनी है. बिकॉज हार्ड लेबर ऑलवेज विंस. कठिन परिश्रम की हमेशा जीत होती है. अगर आपको ये कविता अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.